फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पीजे लॉर्ड चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका पीजे लॉर्ड चैनल में। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज की वीडियो है मादी जो अंडों से बंद हो जाती हैं, आज उनके लिए मैं आपको इलाज बता रहा हूँ जो मादी कभी ज़िंदगी में आपके अंडों से बंद ही नहीं होगी, ठीक है भाई। और भाई, अभी जैसे ब्रीडिंग सीजन है, इसी के हिसाब से आप अपने कबूतर को मेंटेन करो। जो चीज़ मैं बताऊँगा, ये चीज़ टाइम बहुत देखने वाला है, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन भी है और आगे को आपको जोड़े भी तोड़ने पड़ जाएंगे, ठीक है भाई। तो पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा अभी माशाल्लाह, और साथ साथ आपको प्रोडक्ट भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है भाई। एक बार मैं लेके आ जाता हूँ भाई, ठीक है। देखिए भाइयों, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और साथ साथ इसके बारे में बताऊँगा अभी। पहले कुछ बातें कर लूँगा आपसे, सभी भाइयों को समझा दूँ। तो भैया देखिए, जैसे कि मान लो कुछ भाइयों के पास में शिकायत ये आती है कि मान लो मादी अंडे से बंद हो जा रही है, ठीक है, और बहुत भाई मेरे से पूछते भी हैं इस बारे में। तो भाई, मैं आज आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा कि अंडों से बंद होगी नहीं मादी अगर आप फॉलो करोगे मेरी चीज़ को। हालांकि मैंने पहले भी कई वीडियो डाली हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आप भाइयों को बता रहा हूँ जो मादी आपकी अंडों से बंद हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं और उसका इलाज क्या है जो बंद हो चुकी हैं, और अगर आप उन्हें रोकना चाहते हो यानी कि अंडों से बंद ना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। भाई देखो, सबसे पहले आपकी गलती ये है, अगर आपकी मादियाँ अंडे से बंद हो रही हैं, आप भाई रेगुलर अंडे उठा के उनके नीचे से दूसरे के नीचे पलटी कर रहे हो, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि मादी अंडों से बंद, दो मादी ज़्यादातर अंडों से बंद होंगी, पहली वो जिसके नीचे से आप अंडा उठा के दूसरी के नीचे ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है भाई, और दूसरी वो जिस मादी से आप रेगुलर ब्रीडिंग करा रहे हो, ठीक है। दाना आपके पास में अच्छा नहीं, कैल्शियम वगैरह का आप ध्यान नहीं रखते और रेगुलर उससे ब्रीडिंग करा रहे हो, तो भाई उस मादी का तो बिल्कुल यही हो जाता है ना, तो उससे बच्चे अच्छे पलते हैं, एक आध जोड़ी पाल दे फिर उसके बाद बच्चे बेकार पलते हैं उसके, और या फिर उसके अंडों से भी बंद हो जाती है मादी, ठीक है। ये दो कमियाँ होती हैं, तो इन दो कमियों को आपको सुधारना है। एक तो मादी के नीचे से अंडे पलटी ना किया करें किसी दूसरे के नीचे, ये चीज़ बेकार है मेरे हिसाब से। दूसरी बात आ जाती है भाई, जो रेगुलर ब्रीडिंग वाली है, भाई रेगुलर ब्रीडिंग मत कराओ, आप अपने कबूतरों से ब्रेक दे दे के ब्रीडिंग कराओ, ठीक है, कुछ दिन का ब्रेक दे दिया करो, यानी कि बीच में एक महीने का, एक से डेढ़ महीने का कम से कम गैप दे दिया करो, ठीक है भाई, तो उसमें अपनी रिकवरी पूरी कर लेते हैं। और भाई जब ब्रेक देते हैं, जैसे कि मान लो अभी देखो हम ब्रेक देंगे मादियों को, तो उसमें क्या है, देखो हमने पहले ही मंगा कर रखा है, मैंने दिखाया भी, अभी एक और बार दिखा देता हूँ मैं। ये पेट पॉट है, ठीक है भाई, ये देखो मैंने दो सीसी मंगाई है। और भाई अब जो है हमारी कोई मादी अंडों से बंद नहीं है, लेकिन क्या है, इन्होंने जैसे ब्रीडिंग कर रहे हैं ये, तो अब हम इसमें कुछ मादियों को ब्रेक दे रहे हैं, उसके नीचे भी बच्चे हैं, उन्हें ब्रेक अभी नहीं है, जैसे इनके बच्चे पूरे होंगे उन्हें ब्रेक दे देंगे, क्योंकि भाई आगे को जो है सर्दी का मौसम है, तो उसमें बच्चे पलने नहीं आसानी से, ठीक। अब हमारा क्या होगा, जो हमारी मादी पहले इसमें डली हुई है जोड़ों में, उन्हें ब्रेक लगेगा, दूसरी मादी जोड़ों में जाएगी, जो पीछे ये समझ लो दो महीने से ब्रेक में ही चल रही है, ठीक है भाई। तो रेगुलर ब्रीडिंग हम मादी बदल के कराते हैं ज़्यादातर, मादियों को उससे गैप भी हो जाता है, ब्रीडिंग भी रेगुलर हो जाती है। और भाई साथ साथ में जो मादी अब रुकेंगी उनके लिए एक कोर्स होगा, ठीक है, इसका कोर्स कराना है। इसके कोर्स के बारे में मैं डिटेल बताता हूँ आपको कि ये करना किस तरीके से होता है। भाई ये करना इस तरीके से होता है भाई, देखो जब आपने जोड़ा तोड़ दिया है तो उसे एक दो दिन ऐसे ही छोड़ दो, जब मत देना शुरू किया, दो तीन दिन कुछ मत दो, ऐसे ही छोड़ो, दाना अच्छे से दो, बस पानी सुबह को ताजा दो, शाम को ताजा दो, इन चीज़ों का दो का ध्यान रखना है, ठीक है, दो तीन दिन कुछ मत दो। फिर उसके बाद इसका कोर्स स्टार्ट करना है आपको, ये देना कैसे होता है ये भी मैं बताता हूँ आपको। भाई ये देना जो होता है, ये एक कबूतरी को 5 ml दिया जाता है, 3 बार में इसका कोर्स होगा। वो कैसे होगा डिटेल में समझाता हूँ, कुछ भाइयों की समझ में नहीं आया होगा जो मैंने ये बताया है। भाई आज मान लो आपने इसे 5 ml दे दिया कबूतरी को, ठीक है, ये देना कब होता है, ये शाम को जब दाना वाना चुगा के बंद करते हैं तब दे दो, या सुबह को जब दाना चुगा के बंद कर रहे हैं तब दे दो, ठीक है। ये 5 ml दिया जाता है भाई, ऐसा नहीं है कि दाना चुगा के देना, भाई दाना चुगाने से पहले भी दे सकते हो इसे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, ठीक है, लेकिन इसका मैं बता रहा हूँ आपको, 5 ml
कबूतरी को दिया जाएगा ये, ठीक है, ये फीमेल के लिए है भाई, ना कि मेल के लिए। अगर मेल के लिए भी आप भाई जानना चाहते हैं तो भाई मेल के लिए मैंने पहले वीडियो डाली हुई है, आप जाके देख सकते हो। और बाकी अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो मैं मेल के कैल्शियम के लिए बता दूंगा, ठीक है। वो कैल्शियम भाई उड़ानबाजियों में भी काम करता है, यानी कि उड़ने वाले कबूतरों के लिए परफेक्ट होता है, उसके बारे में बता दूंगा मैं। इसका कोर्स सुन लो पहले आप, ये जो कोर्स है भाई फीमेल के लिए है, और इसमें 5 ml जैसे आपने आज दिया है, दे दिया, उसके बाद आपको क्या काम करना है, 2 दिन कुछ नहीं देना है, जैसे आज दे दिया तो कल और परसों कुछ नहीं देना, ठीक है। फिर उससे अगले दिन देना, यानी कि 2 दिन छेक के 2 दिन खाली रखने, फिर उससे अगले दिन आपको ये देना है 5 ml कबूतरी को, फिर सेम टू सेम प्रोसीजर, यानी कि 2 दिन फिर छेक देने, फिर उसके बाद 5 ml देना है, तो यानी कि 3 बार देना है, 3 बार में एक कबूतरी को 15 ml जाएगा, ठीक है। लेकिन देना कैसे होता है, बीच में 2 दिन का गैप होता है इसके अंदर, जैसे आज दिया शुरू में जब जोड़ा तोड़ोगे आप तो 3-4 दिन तक भी कुछ मत देना भाई, उसके बाद में आपने ये दिया 5 ml, फिर 2 दिन का गैप है, फिर 5 ml है, फिर 2 दिन का गैप है, फिर 5 ml है, 3 दिन हो गए आपके। अब उसके बाद में भाई इसे देने के बाद कम से कम ना तो आपके 20 से 25 दिन मादी को रेस्ट जरूर चाहिएगा, ठीक है। ये कैल्शियम की पूर्ति कर देगा, कोई भाई ये सोचे कि मैंने ये दे दिया आप मैं जोड़े में डाल दूँ, तो भाई रिजल्ट आने में टाइम लगता है, हालांकि ये रिजल्ट एक नंबर की चीज़ है, लेकिन भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो मादी आपने जोड़े से ब्रीडिंग कराई है, जिस जोड़े से आपने, उसके जो शरीर की रिकवरी है, कैल्शियम की पूर्ति कर रहे हो आप, ठीक है, लेकिन उसकी जो रिकवरी है और उसके शरीर में ताकत जो है वो थोड़ा टाइम लेगी भाई, तो उसके लिए आपको रेस्ट देना पड़ेगा, वरना अगर जल्दीबाजी आप करोगे तो मादी वही है, अंडे से बंद हो जाएगी या कच्चे अंडे रखने स्टार्ट कर देगी, या उसके साथ साथ में आपकी मादी के जैसे मान लो अंडों से बच्चे नहीं बन रहे हैं या ठस रहे हैं, इस तरह की शिकायतें आनी शुरू हो जाएंगी, एक अंडा रख दिया जैसे मादी ने, और भाई साथ साथ बच्चे छोटे बड़े होने लगे, या बच्चे कमज़ोर रह गए दोनों, या एक बच्चा मर गया, ये चीज़ें आपको आती रहेंगी अगर आप जल्दीबाजी करोगे, सब्र से करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कम से कम मेरी देखो जो हम देते हैं वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा, कम से कम 1 से 1.5 महीने का गैप देना ज़रूरी होता है, उसमें बढ़िया अच्छे से रिकवर हो जाते हैं भाई, सब्र से काम करोगे तो अच्छा होगा, उसमें बच्चे दोनों एक साथ बनेंगे, बढ़िया बनेंगे, ठीक है। और जैसे अभी सर्दी का टाइम है, खैर इसमें तो आप अगर ब्रीडिंग नहीं कराओ आगे को अभी, क्योंकि ये जो बच्चे अब पूरे हो जाएंगे दिसंबर के महीने में, ठीक है, जनवरी के तो ब्रीडिंग फिर ऐसी हो जाती है, ठीक, अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर पल जाएंगे, ये भी गारंटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं पल पाएंगे, लेकिन भाई प्रॉपर आपको उनमें लगना पड़ेगा। अगर किसी भाई के पास टाइम कम है ना तो बिल्कुल मत कराना भाई, जोड़े तोड़ दो और जाके आप फरवरी में जोड़े डाल लेना, तब आपकी ब्रीडिंग सही हो जाएगी, जनवरी के लिए रेस्ट दे दो, ठीक है भाई। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है, पेटफोर्ड के नाम से मिलेगा ये आपको, आप ले सकते हो, अगर किसी भाई को कहीं ना मिले तो भाई हमारे पास से भी इसे मंगवा सकते हो आप, यहाँ से मैं लेके भेज दूँगा, कोई दिक्कत ना भाई, ठीक है भैया, किसी भाई का भला हो जाए, चीज़ एक नंबर की है, ठीक है भाई। तो बढ़िया चीज़ है, आप इसे फॉलो करके देखें, इसे यूज करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा माशाल्लाह, ठीक। और भाई इस चीज़ का ध्यान रखें जो मैंने बताया, प्रॉपर कोर्स इसी तरीके से आपको करना है ताकि आपकी कबूतरी को कोई परेशानी ना हो, ठीक है भाइयों। और अगर भाई नर के लिए भी कैल्शियम जानना चाहते हो, या उड़ानबाजी जैसे आप करते हो उसमें कैल्शियम की बात आती है, तो भाई कैल्शियम उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे को, और वीडियो बताएं कैसी लगी भाई वीडियो, ठीक है। क्योंकि देखो ये मैं काफ़ी टाइम से दिखा रहा हूँ सभी भाइयों को, इसका रिजल्ट है भाई, मैं जब भी तो यूज कर रहा हूँ एक टाइम से, मेरे हिसाब से 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ मैं, और जब से मैं आप सभी भैयों को इसका दिखा भी रहा हूँ, वीडियो बराबर लेके भी आ रहा हूँ, जब भी मैं इसका कोर्स कराता हूँ मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई ये हमारा तो देखो लगता ही है, महीने की 4 cc लगती है मेरे लॉफ्ट में, तो अपने देख लो कितनी लगेंगी कितनी नहीं, क्योंकि ये 200 ml की cc है, बहुत काम हो जाएगा। अगर आपके पास में कम कबूतर है तो भाई आपकी 6 महीने खूब आराम से चलेगी, 6 महीने साल भर नहीं चल जाती है चलने की, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन भैया ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे, ठीक है भैया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।